असलम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक लेवल यूट्यूब चैनल मैं मैं हूँ आपका दोस्त इरफान और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आ, आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको जब वो अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन सेटअप करते हैं उस टाइम पे उनको एस एम सेंड नहीं होता है क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे फ़ॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उससे आपको पता चल जाएगा ये जो आप देखिए वीडियो आ, ये अभी कोटक कोटक महिंद्रा बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको सेटअप कर रहा है लेकिन सेटअप करने के टाइम पे एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें आपको पहले अपना मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है बैंक में वो आपको वेरीफ़ाई करना होता है उससे उस, उस मोबाइल नंबर से ऑटोमेटिकली एक एस सेंड होता है उसके बाद आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हो लेकिन अगर आपका एस एस सेंड नहीं होता है तो आप उसको सेटअप नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड सिक्योर एस एम ठीक है सिक्योरिटी के लिए एस एम सेंड करता है ये एप्लीकेशन ठीक है अभी देखिए अभी इसने सेलेक्ट किया अपना जियो सिम जो कि इसके बैंक में रजिस्टर है अभी ये वेरीफाई करेगा लेकिन इसका एस एम सेंड नहीं होगा देखिए एस एम सेंडिंग फेड ड्यू टू ड्यू टू नो बैलेंस इसके पास बैलेंस नहीं था क्योंकि इस वजह से इसका ये एस एम सेंड नहीं हुआ लेकिन इसका आ, बैलेंस तो था लेकिन फिर फिलहाल इसको यहाँ पे इसने एरर दिखाया कि नो बैलेंस लेकिन हालांकि इसके पास बैलेंस था ठीक है तो इसका एरर फिर मैंने ठीक कर दिया तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका एस एस सेंड नहीं हो रहा है या लोकल नंबर आप किसी और नंबर पर भी ट्राई करते हो और आपका एस एम एस सेंड नहीं हो रहा है या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन को सेटअप कर रहे हो किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन या कोई भी कोई भी एप्लीकेशन जिसको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए करने के लिए एस एम सेंड करना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मैं विद इन फाइव मिनट्स आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है तो जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जेके जे एंड जे के बैंक की एप्लीकेशन है इसको मैं पहले सेटअप करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है मतलब कैसे सारा सीन क्या है ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहली बार मैं ये एप्लीकेशन सेटअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख लिख के आ रहा है फॉर सिक्योर बैंकिंग प्लीज़ एलो एप्लीकेशन टू सेंड एन एस एम एस टू वैलिडेट योर मोबाइल नंबर ये बोल रहे हैं कि इस आप, इस एप्लीकेशन को आपको एलो uh, करना है कि वो एक एस एम एस सेंड करे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ठीक है इन केस डुअल सिम अगर आपके पास ड्यूएल सिम है तो आप वही नंबर सेलेक्ट करें जो कि आपकी बैंक में रजिस्टर हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ उसके बाद वोडाफोन पर क्लिक करता हूँ वी आई, ठीक है उसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा रिक्वेस्ट बट इसमें कुछ एरर आ रहा है अभी तो आ, ये एरर आ, मतलब ख़त्म करने के लिए जो कि आपका बैंकिंग आ, मतलब एप्लीकेशन को करने में प्रॉब्लम हो रहा है आ, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कभी कभार आपका एसएमएस सेंड नहीं होता है कभी कभार कुछ और रीज़न होता है ठीक है तो इन सारे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं एक्चुअली इसका एक ही रीज़न नहीं होता है आ, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा आप उससे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर मिलेगा वहाँ पर भी वहाँ इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा ठीक है गाइज एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस भी लेके आता हूँ तो ये भी एक न एक यूज़फुल चैनल रहेगा आपके लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू वालेकुम